हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों, यार आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूँ कि आप सब मस्त होंगे। तो आप सबको पता ही होगा यार, श्री कृष्ण भगवान का जन्म आने वाला है। तो मैं आज आपको मैं सिखाऊंगा कुछ ही टाइप का जन्माष्टमी फोटो एडिटिंग। तो स्क्रीन में देख ही पा रहे हो और वन ही क्लिक में आप इस टाइप का फोटो बनाना सीख जाओगे। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हो तो वन ही क्लिक में आप अपने फोटो को इस तरह से बना सकते हैं। हाँ जी दोस्तों, कैसे बनाया जाता है और कौन सी एप्लीकेशन से बनाया जाता है, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा दोस्तों। आपको बैकग्राउंड एंड PNG डाउनलोड करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ने वाली है। हाँ जी, एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा ना, उस एप्लीकेशन से वन क्लिक में अपने फ़ोटो को इस तरह से आप बना सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जो पास में घंटे उसको भी कर देना ऑल में, ताकि आने वाली वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो कर ले तैयार वीडियो को स्टार्ट। तो ऐसा फ़ोटो बनाने के लिए आपको एक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना होगा। तो एप्लीकेशन का नाम मैं आपको बता देता हूँ, तो एप्लीकेशन का नाम है बीगो, ठीक है, जो कि आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ और इसी एप्लीकेशन के अंदर हम फोटो को बनाने वाले हैं। फाइनली दोस्तों, यहाँ पर हमने एप्लीकेशन को ओपन कर लिया और आप जैसे एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो अपना जो डेटा है उसको आपको ऑन ही रखना होगा। और जैसे आप ऑन रखोगे ना तो आपके सामने इस तरह से बहुत सारे यहाँ पर फीचर देखने मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, हमने फ़ोटो बनाना है वन क्लिक में श्री कृष्ण भगवान जैसा फ़ोटो बनाना है जन्माष्टमी वाला। तो उस फोटो को बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर बहुत सारे इफेक्ट देखने मिल जाएंगे आपको। तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट पास्ट होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, नीचे स्क्रॉल करके आ जाता हूँ, नीचे आ जाना होगा आपको, ठीक है। आ जाने के बाद आपके सामने यहाँ पर देख सकते हो, ये यहाँ पर लिखा है कृष्णा जन्माष्टमी, ये देख सकते हो। इस फोटो में आपको क्लिक कर लेना होगा, ठीक है। इसमें आप जैसे क्लिक करोगे तो आपको मेक वाला आइकन में क्लिक कर लेना होगा। इसमें आप जैसे क्लिक करोगे तो फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर प्लस वाला आइकन में क्लिक कर देना होगा। प्लस वाला आइकन में क्लिक करने के बाद आपके सामने गैलरी ओपन हो जाएगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जिस फोटो आप एडिट करना चाहते हो ना जन्माष्टमी वाला, जिस फोटो को आप जय श्री कृष्ण वाला बनाना चाहते हो ना, उस फोटो को सेलेक्ट कर लेना होगा। तो यहाँ पर मैंने फोटो सेलेक्ट कर लिया और इस फोटो को आपको यहाँ रख लेना होगा, यहाँ देखते हो। रखने के बाद फाइनली कर देना राइट में क्लिक। अब राइट में आप जैसे क्लिक करोगे तो देख ही पा रहे हो दोस्तों, हमारा जो फोटो था ना वो बन चुका है। और बनने के बाद तो अब आपको फोटो को डाउनलोड कैसे करना है, आपको यहाँ पर मेक वाला आइकन में क्लिक कर देना होगा। इसमें आप जैसे क्लिक करोगे तो हमारी जो इमेज है ना वो गैलरी में सेव हो जाएगी। तो इसी एप्लीकेशन से आप वन क्लिक में अपने फोटो को इस तरह से बना सकते हो। ये देखते हो कंप्लीट हो चुका है मेरा फोटो। तो हम यहाँ से बैक हो जाते हैं और यहाँ पर देख पा रहे हो गैलरी में हमारा फोटो आ चुका है फर्स्ट में। तो इसी एप्लीकेशन से वन क्लिक में अपने फोटो को आप बना सकते हो। हाँ जी दोस्तों, तो एप्लीकेशन बहुत अच्छा है। तो आई होप कि दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। और आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और जय श्री कृष्णा। तो मिलते हैं किसी कमाल की एडिटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।